गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। NIOS विजन के चैनल पर हम लोग फिर से आपका वेलकम करते हैं। मैं संदीप तिवारी, आपका केमिस्ट्री स्ट्रक्चर केमिस्ट्री टीचर, जो भी कहिए, मिलते रहे हैं हम लोग। तो आज बेटा हम लोग आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, जो हम लोगों का थर्ड लेक्चर था उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मोल चल रहा था, याद होगा आपको, हमने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, मोलर मास की बात किया था, मोलिकुलर मास की बात किया था, एटॉमिक मास की बात किया था ना। तो फिर से एक बात वहाँ से मैं लेकर के आ रहा हूँ, इस जो हमारा फोर्थ लेक्चर है आज का, इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या कि मोलिकुलर मास को हम लोगों ने कहा था MU से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक बात हमने उसमें उस वीडियो में ध्यान दीजिएगा, तो मैंने बोला था आपसे कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का हमको मास दिया रहेगा और उस मास से हमको कैलकुलेट कराता है मोल। ठीक है, तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं फिर से। तो ये आपका बेटा फोर्थ लेक्चर सम बेसिक कॉन्सेप्ट का। आइए थोड़ा सा बात करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, मास, मोलर मास एंड नंबर ऑफ मोल्स। बेटा मोलर मास की बात लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था कि किसी भी सब्सटेंस के वन मोल का जो मास होगा वही उसका क्या होता था, मोलर मास। मोलर मास ग्राम में रिप्रेजेंट करते थे बेटा, और मोलिकुलर मास को हम लोग MU में रिप्रेजेंट करते थे। अब क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। बेटा ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मतलब अगर हमको किसी एटम का मास दिया गया हो तो एटम हमारे लिए क्या हो गया बेटा, सब्सटेंस हो गया। और एटम का जो भी मास होगा उसको हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। अब देखो इसी को मैं थोड़ा सा दूसरे मोड में लिख दे रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर मोल हमको कैलकुलेट करना है और एटम का मास दिया गया है, तो जो भी मास ऑफ एटम होगा, और याद रखना बेटा मास ऑफ एटम किसमें होना चाहिए, ग्राम में, तो उस मास ऑफ एटम को मोलर मास ऑफ एटम से हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे बेटा, मोलर मास ऑफ एटम से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे सपोज करो कि हमको, अब समझो हमसे कहा जाए, एग्जांपल एक सिंपल ले लेते हैं इसी फार्मूले को, अब ऐसे मैंने बना दिया, हमसे कहा जाए कि हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स हैं, समझो ध्यान से। अब हमसे कहा बेटा हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स के हैं, ध्यान से समझिए। मोल का क्या क्या कहा हमने, मास ऑफ एटम को ग्राम में लेना है, मोलर मास से डिवाइड कर देना है। अब ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता बेटा, 16 ग्राम ना, एमयू नहीं, ग्राम। तो अब क्या करोगे आप, मोल इज इक्वल टू एटम का मास क्या दिया बेटा, 8 ग्राम, मोलर मास ऑक्सीजन का क्या होगा, 16, डिवाइड करोगे कितना मोल आएगा बेटा, 1 मोल आ जाएगा। तो अगर अब वही बात है जो ये फार्मूला लिखा है, क्या मास ऑफ सब्सटेंस, तो मास ऑफ सब्सटेंस में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो हमने थोड़ा सा इसको दूसरे मोड में बता दिया कि मास ऑफ एटम जो दिया होगा उसको हम एटम के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। और यही फार्मूला जब मॉलिक्यूल पे आएंगे बेटा, देखो यही फार्मूला बना दे, तो मास ऑफ मॉलिक्यूल, आपको मॉलिक्यूल का जो मास दिया होगा, मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं, मॉलिक्यूल्स, वो किसमें लेना पड़ेगा, ग्राम में। अगर ग्राम में ना हो तो आप उसको चेंज करोगे और उसको मोलर मास आप मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे, मोलर मास आप मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दोगे। यही फार्मूला जो लिखा है बेटा, इसी को मैं थोड़ा उठकर चेंज कर रहा हूं, परेशान नहीं होना है, इजी बना रहा हूं इसको मैं। अब जैसे हमसे कहा जाए कि यार हमारे पास, ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। अब ध्यान से देखो बेटा दोनों में डिफरेंस, इसलिए मैं ऑक्सीजन लेकर के ही बात कर रहा हूं। और हमसे कहा जाए हाउ मेनी मोल्स, मोल्स पूछा जाए। अब देखो एटम था तो एटॉमिक मास लिया, मोलर मास ऑफ एटम, मोलर मास ऑफ एटम, एटम का रखा। और ये मॉलिक्यूल कितना लेना पड़ेगा, ये 16 लेना, 32 लेना पड़ेगा बेटा, दो एटम है। तो इसका मोल निकालोगे तो देखो क्या दिखा है, मास ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया बेटा, 8। अब यहां पर मोलर मास मॉलिक्यूल का है तो डबल हो जाएगा, कितना, 32। तो ये मोल आ जाएगा कितना, 1/4 हो जाएगा।
समझ पा रहे हो? एटम का मास होगा तो एटम के मोलर मास से डिवाइड करेंगे मास को, अगर मॉलिक्यूल का मास दिया है तो मॉलिक्यूल का मोलर मास से हम उस मास को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएगा। वही चीज लिखा हो बेटा, एन मोल है मास ऑफ सब्सटेंस, एटम का मास मॉलिक्यूल का मास, और एम क्या है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब एटम या मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे यहां पे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, यही फार्मूला जो हमने लोगों ने लिखा था उसी को लेकर के बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया बेटा, कह रहा है कि एक रिएक्शन है उसमें 0.5 मोल एल्युमिनियम का है, 0.5 मोल एल्युमिनियम का है। अब कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम रिक्वायर्ड इन ग्राम। अब बताओ बेटा कितने मोल की बात कर रहा है, 0.5 मोल की बात कर रहा है। एकदम सिंपल सी बात है बेटा, एक मोल का मास कितना होता था, उसके मोलर मास के इक्वल, एक मोल का मास उसके मोलर मास के इक्वल। अब ये बताओ मास ऑफ, अगर मैं आपसे कहूं आंसर आपको देना है, मास ऑफ वन मोल एल्युमिनियम एल, क्या वन मोल एल्युमिनियम, तो आप क्या कहोगे बेटा, मोलर मास की बात सर कर रहे हैं, तो मोलर मास का मतलब क्या हुआ, अब बता दो, ग्राम को लगाओगे कि एमयू लगाओगे, एमयू हट करके क्या लग जाएगा, 27 ग्राम। ये कितना हुआ, मोलर मास हुआ। अब देखो एटॉमिक मास दिया था ना, तो एमयू था, अब मोलर बनाना था तो क्या बताते, एमयू हटा के क्या लगा देना, ग्राम लगा देना, तो मोलर मास हो जाएगा। अब यार एकदम आसान नहीं बन गया, एक मोल का मास कितना है बेटा, 27 ग्राम। जब एक मोल का मास 27 ग्राम तो 0.5 मोल मतलब हाफ मोल, तो बता दो वन मोल इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 27 ग्राम। अब 0.5 मोल का पूछ रहा है आधे मोल का, तो कितना 27 इंटू 0.5 कितना आएगा बेटा, 13.5 ग्राम आंसर। क्लियर है बात, एक मोल का मास मोलर मास के इक्वल कितना हुआ, 27 ग्राम, कितने मोल का पूछा था, 0.5 मोल का, तो मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया, एकदम आसान है। देखो ध्यान से चलते जाओ, अब यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नो क्वेश्चन नहीं, पहले थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है बेटा मोलर वॉल्यूम। अब जैसे बेटा मोलर, मोलर मास बोला ना, एक मोल का मास, मोलर मास का मतलब एक मोल का मास, वैसे ही एक मोल कोई भी गैस हो, एक मोल कोई भी गैस हो और उसका हमको वॉल्यूम निकालना हो, एक मोल हमने कहा एक मोल है हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, वन मोल हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, वन मोल हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वन मोल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो उसका वॉल्यूम फिक्स होगा बेटा, कितना होगा ये लिखा है देखो 22.4 लीटर, कितना लिखा है 22.4 लीटर लिखा हुआ, देखो ध्यान से ये, अब क्या है ये ध्यान से देखो यहां पर, लेकिन कंडीशन इंपॉर्टेंट है बेटा, कहा जाता है कि द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ ए गैस एट एसटीपी, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट बेटा, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, एसटीपी पर किसी भी गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होगा बेटा वो कितना होगा 22.4 लीटर होगा, सॉरी 22.7 लीटर होगा, अभी 22.4 बोला था उसकी भी बात मैं कर रहा हूं बेटा। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी। अब कभी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोला जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज नोन एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब आपसे कहा जाए जहां ये कमरा है, जहां आप बैठे हो, जहां हम खड़े हैं, हमने कहा यहां का टेम्परेचर स्टैंडर्ड है, इसका मतलब यहां का टेम्परेचर कितना बेटा 0 डिग्री है, और 0 डिग्री का मतलब कितना केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे, कितना 273 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 273 केल्विन टेम्परेचर इज नोन एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और प्रेशर जो होता बेटा वो होता है कितना 1 bar, ठीक है, तो 1 bar प्रेशर हमने कहा एसटीपी, तुरंत दिमाग बात आनी चाहिए कि वहां का टेम्परेचर कितना 273 केल्विन, प्रेशर कितना 1 bar, और अगर ये है तो कोई भी दुनिया की गैस होगी बेटा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.7 लीटर होगा।
ठीक है। अब एक बात अभी हमने हमारे मुंह से निकला भी था तो उसको हम थोड़ा सा बता दें आपको, जब वो निकल ही आया है तो बेटा यहां पर एसटीपी की एक कंडीशन हमने अभी आपसे बात किया थोड़ा सा, हमने कहा क्या कि टेम्परेचर हम लोग कितना लेंगे 273 केल्विन ना, और हमने कहा प्रेशर कितना लेंगे बेटा 1 bar। अगर ये कंडीशन है तो स्टैंडर्ड कंडीशन होगी और इस कंडीशन में गैस का जो वॉल्यूम होगा वो 22.7 लीटर होगा। लेकिन बेटा यहीं पर एक एसटीपी की कंडीशन मैं और बता रहा हूं, कभी कभी आपको मिलेगा ये और ज्यादातर ये मिलता है, ये कम मिलेगा आपको। एसटीपी बोला जाए तो टेम्परेचर तो वही होगा बेटा 273 केल्विन, लेकिन प्रेशर 1 atm, एटीएम पैसे वाला एटीएम नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन है टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर कितना 1 atm है, बार की जगह अगर प्रेशर हम एटीएम रख लेंगे तो वहां पर वॉल्यूम कितना आएगा बेटा 22.4 लीटर। तो ये भी वैल्यू सही है बेटा, ये भी वैल्यू सही है, लेकिन बस मामला किसका फंस रहा है, प्रेशर का। अगर प्रेशर 1 bar हमने रखा तो कहेंगे कि 1 bar प्रेशर की कंडीशन में, ये इस कंडीशन में किसी भी दुनिया की कोई गैस हो एसटीपी पर, वो ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी होता सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, XYZ कोई गैस बोल रहा हूं बेटा, यहां भी गलती आप लोग करते हो, सॉलिड या लिक्विड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर कोई भी गैस नेचर में है और अगर ये कंडीशन है 273 केल्विन टेम्परेचर 1 bar प्रेशर, तो कन्फर्म है उसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा 22.7 लीटर होगा। लेकिन अगर प्रेशर 1 bar की जगह पर कितना हो जाए बेटा 1 atm हो जाएगा तो कितना वॉल्यूम आने लगता है 22.4 लीटर। ठीक बेटा, तो यूनिट पे मामला बदल रहा है और कुछ नहीं है, बार को हमने एटीएम कर दिया तो वॉल्यूम 22.4 लीटर। अगर आपने किसी से बोला कि द वॉल्यूम ऑफ 1 mol ऑफ गैस एट एसटीपी इज 22.4 लीटर तो सही है, लेकिन आपको यह दिमाग रखना है कि जब हम 22.4 लीटर बोल रहे हैं तो वहां पर प्रेशर को किसमें कंसीडर कर रहे हैं, हम एटीएम में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम उसको 22.47 लीटर बोल रहे हैं तो उसको हम प्रेशर को किसमें कंसीडर कर रहे हैं, बार में कंसीडर कर रहे हैं, यह ध्यान रखना है, गलत नहीं, दोनों सही है, आपको ज्यादातर केसेस में यही मिलता है, ठीक है। तो अब यहां पर हुआ क्या कि इतना दिमाग में रखिएगा कि जैसे मोलर मास बोला 1 mol का मास, वैसे ही मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 mol का वॉल्यूम। हमने आपको 1 mol कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया, पूछा बेटा कितना वॉल्यूम होगा, आप कहोगे 22.7 लीटर। हमने आपको ऑक्सीजन गैस दिया और आपसे कहा कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 mol है, तो आपने कहा सर 22.7 लीटर। लेकिन कंडीशन याद रखना बेटा यही। और एक बात और बता दूं, हम लोग गैसियस स्टेट पढ़ेंगे तो गैसियस स्टेट में इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा कि ये वॉल्यूम आया कहां से। एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT, वहां से ये कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकाली गई बेटा, ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से बोल दी गई, ठीक है। तो इतना याद रखना है, अब 1 mol ऑक्सीजन हो, 1 mol सल्फर हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, दुनिया की कोई गैस हो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.7 लीटर होगा। अब बेटा एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड या लिक्विड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सॉलिड का वॉल्यूम इतना नहीं होगा, लिक्विड का वॉल्यूम इतना नहीं होगा। अब आपको वाटर दे दिया जाए, 1 mol वाटर आपसे दे दिया जाए लिक्विड के फॉर्म में, अब आपसे पूछा जाए उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आपने अगर 22.7 लीटर बोला, गलत होगा, लिक्विड अगर बोला। अगर आपसे कहा कि 1 mol वाटर वेपर, 1 mol वाटर वेपर का वॉल्यूम क्या होगा, तो वेपर मतलब गैस, तब उसका वॉल्यूम 22.7 लीटर होगा, वेपर अगर बोल दिया। लेकिन अगर कहा कि 1 mol वाटर लिक्विड, तो उसका वॉल्यूम 22.7 लीटर नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें बेटा हम लोगों को ध्यान रखना है, आसान होता है कैलकुलेशन करना, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ देखो, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर एटम्स आर प्रेजेंट इन 3.05 ग्राम ऑफ कॉपर। अब देखो क्या दिया बेटा, एटम का क्या दिया है यार, मास दिया है, तो क्या करेंगे, कॉपर के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। फार्मूला नहीं बताया था, मास ऑफ एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ
ए टर्म तो देख लो। अब ये बताओ इसका मोल अगर हम निकालें, मोल तो बताओ कितना आएगा, मास ऑफ एटम कितना बेटा, मास ऑफ एटम लिख दे रहा हूं फिर से, मास ऑफ एटम क्या है, एटम कॉपर किसमें होगा बेटा, ग्राम में, डिवाइडेड बाई मोलर मास, क्या होगा मोलर मास। अब बताओ कितना मास दिया बेटा, 3.05 मोलर मास कितना रखोगे, मोलर मास बोल रहा है तो 63.5 ग्राम रखेंगे, तब यूनिट यहां नहीं रखना कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी क्या बेटा, मोल आ जाएगा, देखो मोल आ जाएगा। अब कैलकुलेशन क्या कर रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर, मोल्स पूछ रहा है सीधे सीधे, तो क्या किया मोल आ जाएगा, आप इसको डिवाइड कर लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान हो गया, नहीं मास ऑफ एटम देखा कि आप मास ऑफ एटम और उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। अब इससे आसान कैलकुलेशन क्या बनेगी, फिर आपका यहीं पर आ जाता है, एक दिया हुआ है ए पीस ऑफ गोल्ड हैज मास इतना ग्राम, गोल्ड का सोने का एक टुकड़ा है उसका मास दिया है कितना बेटा, 12.6 ग्राम दिया हुआ है। अब करा हाउ मेनी गोल्ड मेनी मोल्स ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन इट, अब आप आसानी से नहीं कर सकते, बताओ एकदम आसान क्वेश्चन है, क्या दिया बेटा मास दिया है गोल्ड का और इसका मोलर मास गोल्ड का कितना है 197, एकदम आसान है बताओ, कितना एकदम घटिया सा क्वेश्चन, क्या हुआ मास कितना 12.6 ग्राम, मोलर मास कितना 197, डिवाइड कर दोगे बेटा आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे फार्मूले पर वैल्यू निकल रही कि नहीं निकल रही है, अब परेशान होने कोई जरूरत नहीं, कि देखना सिर्फ इतना है कि दिया क्या है, मास दिया है कि एटम का मास दिया है, एटम का मास होगा तो एटम का मोलर मास रखेंगे, मॉलिक्यूल का मास दिया है तो मॉलिक्यूल का मोलर मास रखेंगे, यही छोटी छोटी चीजें होती है, कुछ नहीं केमिस्ट्री से आसान कुछ नहीं है। अब आ जाओ, अब इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, इन ए कंबसन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कंबसन के बाद इतना मोल CO2 दे रहा है, 2.5 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो बेटा एकदम घटिया सा क्वेश्चन, देखो क्या कर रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्युपाई एट एसटीपी, एसटीपी पर वॉल्यूम क्या होगा, अब बताओ इतना आसान क्वेश्चन। देखो बेटा ये बताओ, अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, वन मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना बोल रहे थे बताओ, 22.7 लीटर बोल रहे थे कि नहीं बेटा, वन मोल गैस का वॉल्यूम बोल रहे थे, अब बताओ कितने मोल का वॉल्यूम पूछ रहा है, 2.5 मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम पूछ रहा है बेटा, क्या करोगे, एक मोल का वॉल्यूम इतना तो 2.5 मोल का मल्टीप्लाई 22.7 इंटू कितना 2.5 क्या हो जाएगा लीटर होगा ना, ये लीटर, अब मल्टीप्लाई करना आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लो, अब देखो आपको छोटी बात, अगर यहीं पर वन बार ना लिखा होता वहां पर, अगर ये चीज बेटा यही आप थोड़ा सा चीजें पकड़ना है, अगर यहां वन बार ना लिख करके यहां पर लिखा होता 1 ATM, तो अब समझो आप समझ गए हो कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अगर यहां पर वन बार ना होता, यहां 1 ATM होता, तो ये जो वैल्यू हमने 22.7 लीटर लिखा हुआ है, इसको क्या लिखना पड़ता बेटा, 22.4 लीटर लिखना पड़ता। तो कैलकुलेशन यहां पर हम किस पे करते, 22.4 लीटर पे करते, और ये आपका मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाता, क्लियर है, एकदम आसान है बेटा। अब इसमें क्या है देखिए, अब उसी को आगे बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। बेटा किसी भी कंपाउंड के दो फार्मूले होते हैं, किसी भी कंपाउंड खासतौर से कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक के लिए नहीं बात करते हैं, हमने बोला भी आपसे कि आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल टर्म यूज नहीं करते, और जब मॉलिक्यूल टर्म यूज नहीं करेंगे तो क्या उसके मॉलिक्यूलर की बात करेंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन हम कोवेलेंट की बात करें, अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो उसके दो फार्मूले होंगे, एक उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है और एक उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस क्या होता है, सिंपल बात समझो, जैसे मैं आपसे कहूं कि C6H12O6, एकदम आसान सी चीज है बेटा, ये हम कहें आपसे कि ये ग्लूकोज का बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है।
अब ये बताओ इस फार्मूले को देख करके आपसे हमने बोला कि यार ये ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला है, आपने कहा हाँ सर मोलिकुलर फार्मूला है। अब आपसे पूछा मैंने कि यार ये बताओ इस फार्मूले में कार्बन के कितने एटम्स हैं, तो आप कहोगे सर 6 एटम है, 6 एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 12 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 6 एटम है। आप एटम नंबर, आप एटम को एक्चुअली बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, एकदम करेक्ट एटम बता सकते हो देख करके फार्मूले को। अब अगर मैं आपसे ये कहता कि इनमें एटम्स के नंबर का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो आएगा बेटा 1:2:1, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के नंबर का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2। और अगर इस रेशियो से मैं फार्मूला बनाऊं तो फार्मूला क्या बनेगा बेटा, CH2O। अब बताओ क्या इस फार्मूले को देख करके आप ये बता सकते हो कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स होंगे, या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? नहीं बता पाओगे, लेकिन इससे बता सकते थे आप। इस फार्मूले को देख के आपने बोला था कि कार्बन के कितने एटम होंगे, 6 एटम होंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, लेकिन इस फार्मूले को देख करके आप ये नहीं बता सकते कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम होंगे। हाँ, एटम्स के नंबर का रेशियो बता सकते हो आप ना, आप ये नहीं एक्चुअल नंबर नहीं बता सकते, लेकिन एटम्स के नंबर का रेशियो बता सकते हो कि सर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के नंबर का रेशियो कितना है, 1:2:1 है। तो बेटा ये जो फार्मूला है ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाएगा। अब आप समझ गए होंगे मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपसे वहां से बात नहीं किया। किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला जो कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स के एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करे, किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला जो कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स के एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करे वो फार्मूला, उसका क्या कहा जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाएगा। ये देखो ये ग्लूकोज का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला जो कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स के एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट ना करे लेकिन एटम्स के सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करे, एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट ना करे सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा, वो उस कंपाउंड का क्या होगा बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो ये ग्लूकोज का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये ग्लूकोज का क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, अब आओ थोड़ा सा देख लो क्या लिखा हुआ है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या लिखा बेटा, एक्चुअल नंबर, ये एक्चुअल नंबर दिखा रहा है कि नहीं, कि कार्बन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम, एक्चुअल नंबर दिखा रहा है। लेकिन इंपीरिकल फार्मूला में क्या लिख रहा है बेटा, द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच गिव्स ओनली रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम का मतलब बेटा सिंपल रेशियो, ये जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स लिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ, एटम्स के नंबर का सिंपल रेशियो। तो जो सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करने वाला है वो क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करने वाला है वो उसका क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहां पर देखो जो अभी बात कर रहे थे, आपको दुनिया का कोई कंपाउंड दे दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया हो, अब पूछा जाए इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, आप बता सकते हो। देखो अमोनिया, यहां देखो ये क्या लिखा है, सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी है, यहां क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्या शो कर रहा है, एम्पिरिकल फार्मूला, क्या एटम्स के सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये बताओ बेटा अमोनिया मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, NH3। अब ये बताओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स, नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 3 एटम है, तो इनके नंबर का रेशियो कितना है, 1:3। तो 1:3, तो इससे 1:3 से जो फार्मूला बनेगा यही तो बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बेटा, कार्बन का सिंगल एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, इनके नंबर का रेशियो कितना, 1:2। अब रेशियो से फार्मूला यही तो बनेगा, तो हम यहां भी बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। फिर आ जाओ यहीं पर एथेन, एथेन का फार्मूला होता बेटा C2H6,
क्या है C2H6। अब यहां बनेगा, क्यों बनेगा, कार्बन के दो एटम, हाइड्रोजन के कितने एटम बेटा, 3। अब रेशियो क्या आएगा इनका, 1:3। अब रेशियो से फार्मूला तो यही बनेगा ना, कार्बन का 1 हाइड्रोजन का 3। ठीक है, ये फ्रक्टोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है। देखो अभी जो पीछे हमने लिखा था C6H12O6, फ्रक्टोज का भी यही फार्मूला होता है। अब वही बात है, बताओ ये फ्रक्टोज का मोलिकुलर फार्मूला, कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम, रेशियो क्या आता बेटा, 1:2:1 ना। अब 1:2:1 है तो रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, CH2O। फिर जैसे सल्फर है, सल्फर अभी थोड़ी देर पहले क्या, नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बोला भी था कि सल्फर ऑक्टा एटॉमिक होता है, 8 एटम आपस में कंबाइन होकर के एसेट बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनता है। तो सल्फर में कितने एटम बेटा, 8 एटम। अब इसमें क्या, एक ही एटम है तो इसका सिंपल क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा एस। ठीक है, फिर बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। अब ये बताओ इनका कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर का रेशियो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इस रेशियो से फार्मूला क्या बनेगा, CH। फिर आ जाओ सोडियम क्लोराइड, बेटा सोडियम क्लोराइड याद करो ये आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड के लिए मैं बार बार आपसे बोलता रहा कि आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल टर्म यूज नहीं किया जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आयनिक कंपाउंड के लिए अगर है तो दुनिया के जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे उनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा, उनके एटम्स का जो रेशियो होगा उससे हम क्या बना लेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। तो सोडियम क्लोराइड का कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा, क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला, क्या, NaCl। फिर जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी क्या है और आपका आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड है तो इसका भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा, क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला, CaO। तो यहां पर सिंपल सी बात फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बेटा कि अगर किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला जो कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स के एक्चुअल नंबर को बताए, वो कौन सा फार्मूला हुआ, मॉलिक्यूलर, और जो फार्मूला कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स के नंबर के सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा वो उसका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए आपसे दिया जाए C3H6, अब आपको आंसर देना है, अब आपसे कहा जाए ये प्रोपीन है, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, प्रोपीन, ऑर्गेनिक में हम लोग आएंगे तो बात करेंगे इस पर, लेकिन ये प्रोपीन का फार्मूला है बेटा, ये प्रोपीन का मोलिकुलर फार्मूला है, प्रोपीन का मोलिकुलर फार्मूला है। अब इस मोलिकुलर फार्मूले में अब देखा जाए कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर कितना है, 3 और 6, तो रेशियो क्या आएगा बेटा, 1:2। 1:2 से रेशियो क्या बनेगा बताओ, फार्मूला क्या बनेगा, CH2, यही तो बनेगा ना। तो CH2 जो है ये प्रोपीन का क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है, और ये प्रोपीन का क्या है, मोलिकुलर फार्मूला है। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप समझ सकते हो, कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो सीधे एटम्स के नंबर को काउंट करना, उनसे रेशियो निकल करके चला आएगा। क्लियर बेटा, तो समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। फिर से हम लोग आज इसी पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक या दो लेक्चर आप लोगों का सम बेसिक कॉन्सेप्ट में और चलना है, फिर एक बार हम लोग प्रॉब्लम्स और करेंगे जो आपके एक्सरसाइज हैं उनको हम लोग करेंगे एक दो वीडियो में, उसके बाद फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका लेकर के चलेंगे। आज इसी पे स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं, और फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करना हो, कोई अच्छा लग रहा हो, कोई वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इस वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।